Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद बच्चों, आज हम लोग डाइनोफ्लेजिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। डाइनोफ्लेजिलेट्स किंगडम प्रोटिस्टा का क्लास है। किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग पढ़े थे कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है। तो पहला क्राइसोफाइट, ठीक है, पहला क्राइसोफाइट आता है। दूसरा डाइनोफ्लेजिलेट, तीसरा यूग्लेनॉइड, थर्ड है यूग्लेनॉइड, चौथा स्लाइम मोल्ड है और पांचवा प्रोटोजोअन। हम लोग क्राइसोफाइट के बारे में पढ़ चुके हैं और आज डाइनोफ्लेजिलेट के बारे में पढ़ेंगे। डाइनोफ्लेजिलेट के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे, डाइनोफ्लेजिलेट होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, सब कुछ जानेंगे। तो डाइनोफ्लेजिलेट के नाम से ही लग रहा होगा कि इसमें दो फ्लेजिला प्रजेंट होते हैं, ठीक है। तो डाई का मतलब क्या होता है टू, और फ्लेजिलेट का मतलब फ्लेजिला। तो डाइनोफ्लेजिलेट में दो फ्लेजिला प्रजेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो डाइनोफ्लेजिलेट के नाम से ही लग रहा है कि इसमें दो फ्लेजिला प्रजेंट होते हैं, क्योंकि डाई का मतलब होता है टू और फ्लेजिलेट का मतलब होता है फ्लेजिला। तो डाइनोफ्लेजिलेट में हो गया कि दो फ्लेजिला प्रजेंट होते हैं। ज़्यादातर डाइनोफ्लेजिलेट जो होते हैं वो मेराइन होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर डाइनोफ्लेजिलेट्स जो होते हैं वो मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ज़्यादातर मेराइन होते हैं और ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर डाइनोफ्लेजिलेट मेराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। डाइनोफ्लेजिलेट डिफरेंट कलर का होता है, ठीक है। They can possess different kind of color. तो इसमें different type of color हो सकता है, ठीक है, different type of color में वो yellow भी हो सकता है, green भी हो सकता है, brown भी हो सकता है, blue और red भी हो सकता है, ठीक है। Depend करता है कि उस dinoflagellate में कौन सा pigment present है। डिपेंड यह करता है कि डाइनोफ्लेजिलेट में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका डाइनोफ्लेजिलेट का कलर क्या रहेगा, ये सब जो है तो उसके अंदर जो प्रेजेंट पिगमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, सब पिगमेंट पे डिपेंड करता है। आगे पढ़ेंगे जो डाइनोफ्लेजिलेट की सेलवाल होती है, सेलवाल पर सेलुलोज की प्लेट पाई जाती है, ठीक है। जो डाइनोफ्लेजिलेट पर सेलवाल होती है, ठीक है, उस पर सेलुलोजिक प्लेट पाई जाती है, ठीक है, जो कि काफ़ी टफ होती है, स्टिफ होती है। तो टफ को हम लोग स्टिफ भी कह सकते हैं और स्टिफ को हम लोग टफ भी कह सकते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पर कि स्टिफ, ठीक है, स्टिफ को हम लोग टफ भी कह सकते हैं। स्टिफ सेलुलोज प्लेट प्रजेंट ऑन द सेलवाल ऑफ डाइनोफ्लेजिलेट। पढ़ेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं कि इसके नाम से ही लग रहा है, ठीक है, मतलब डाइनोफ्लेजिलेट के नाम से ही लग रहा है कि इसमें दो फ्लेजिला प्रजेंट होंगे, ठीक है, इसमें दो फ्लेजिला प्रजेंट रहेंगे। दोनों दो फ्लेजिला प्रजेंट रहते हैं,
ठीक है, तो एक फ्लेजिला जो है तो लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज रहता है और दूसरा ट्रांसवर्सली अरेंज होता है। तो एक जो फ्लेजिला होता है लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होता है और दूसरा ट्रांसवर्सली अरेंज होता है, ठीक है, दूसरा ट्रांसवर्सली अरेंज होता है। अब डाइनोफ्लेजिलेट कैसा होता है हम आपको दिखाते हैं कैसे फ्लेजिला अरेंज रहता है, ठीक है। एक फ्लेजिला डाइनोफ्लेजिलेट के ग्रुप में अरेंज रहता है, ठीक है। एक ये दिख रहा है, ये जो है तो ये धागे नुमा दिख रहा है, जो ये क्या है, फ्लेजिला है, ये फ्लेजिला है, ठीक है, जो कि ट्रांसवर्सली अरेंज है। ट्रांसवर्स यहाँ पर लिख देंगे, ट्रांसवर्स फ्लेजिला, ट्रांसवर्स फ्लेजिला। और ये वाला फ्लेजिला जो है जो कि फ्री रहता है, ठीक है, ये वाला जो फ्लेजिला है इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल फ्लेजिला कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज रहता है, लॉन्गिट्यूडिनली, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज रहता है। तो ये ट्रांसवर्स जो फ्लेजिला होता है ये डाइनोफ्लेजिलेट की ग्रुप में अरेंज रहता है, ठीक है, ये चारों ओर से घिरा होता है। अब ग्रुप क्या होता है, ठीक है, डाइनोफ्लेजिलेट की सरफेस पर एक गहरी खांच होती है, ठीक है, गहरी खांच होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और इसी ग्रुप में ट्रांसवर्स फ्लेजिला जो है तो प्रेजेंट रहता है। तो ट्रांसवर्स फ्लेजिला डाइनोफ्लेजिलेट के ग्रुप में अरेंज रहता है, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट रहता है। और ये है इसका थीका, ठीक है, इसको थीका हम कहते हैं, थीका, यह है डाइनोफ्लेजिलेट का थीका। फिर हम चलते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट इतनी हाई रेट से डिवाइड करता है, ठीक है, इतनी हाई रेट से डिवाइड करता है, इतनी हाई स्पीड से ये डिवाइड करता है कि ये अपना नंबर बहुत तेजी से बढ़ा पाता है, ठीक है। अब हाई नंबर हाई रेट से डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका संख्या जो है तो बढ़ेगा, ठीक है, उसका संख्या जो है तो बढ़ेगा। एग्जाम्पल में जैसे कि गोनियोलिक्स, ठीक है, गोनियोलिक्स जो है तो डाइनोफ्लेजिलेट का एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी तेजी से हाई रेट से, ठीक है, ग्रेट रेट से मल्टीप्लाई करता है और अपना नंबर बहुत तेजी से बढ़ाता है, ठीक है, अपना नंबर बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो हाई रेट से, ग्रेट रेट से मल्टीप्लाई और अपना नंबर बढ़ाने की वजह से उस पूरे एरिया को, ठीक है, रेड बना देता है, ठीक है। अब रेड क्यों बना देता है, ड्यू टू द हाई रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ गोनियोलिक्स एंड इंक्रीज देयर नंबर, देन द कलर ऑफ द सी बिकॉम रेड, ठीक है। अब वो सी जो होता है, समुद्र होता है, वो पूरी तरह से लाल लाल कलर का दिखने लगता है। तो जब लाल कलर का दिखने लगता है तो हम लोग उसे एक नाम से पुकारते हैं, जानते हैं, रेड टाइड, ठीक है। जब रेड कलर का दिखने लगता है तो उसे हम लोग रेड टाइड कहने लगते हैं। रेड टाइड अब कैसा दिखता है, ठीक है, ये रेड टाइड, ये सी में जो है तो रेड टाइड इसी तरह का बनता है, ड्यू टू द हाई रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ गोनियोलिक्स, ठीक है, गोनियोलिक्स के हाई रेट के मल्टीप्लीकेशन की वजह से ये समुद्र पूरा जो है तो रेड कलर का दिखने लगता है। और रेड कलर का दिखने की वजह से हम लोग उसे रेड टाइड के नाम से जानते हैं, ठीक है, रेड टाइड के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, रेड टाइड, यही रेड टाइड है, रेड टाइड, ठीक है। और भी इमेज है, देखिए ये औरत देख रही है ये, ठीक है, ये औरत है ना, बच्चे को लेकर देख रही है। तो ये रेड टाइड है, ठीक है, ये समुद्र पूरी तरह से लाल हो जाता है, खून की तरह लाल दिखने लगता है, उसी को हम लोग रेड टाइड कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड टाइड। अब ये ग्रेट रेट से मल्टीप्लाई करता है, इसकी वजह से जो है तो टॉक्सिन भी रिलीज होने लगता है, ठीक है, उसकी वजह से टॉक्सिन भी रिलीज होने लगता है। और ये टॉक्सिन क्या करता है कि
जितने भी फिशेज वगैरह होते हैं या छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबको किल करने लगता है, ठीक है। ये टॉक्सिन जो है तो उन सभी ऑर्गेनिजम्स को किल करने लगता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है, जहरीला होता है। जो टॉक्सिन रिलीज होता है ये काफ़ी जो है तो जहरीला होता है, ठीक है। तो हमारा जो है तो आज का जो डाइनोफ्लेजिलेट टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और अगला जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो यूग्लेनॉइड होगा, तो यूग्लेनॉइड के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे।